अमित शाह को स्वाइन फ्लू की शिकायत के बाद एम्स में भर्ती कराया गया है। पूरा देश बीजेपी अध्यक्ष के जल्द स्वस्थ हो जाने की कामना कर रहा है, लेकिन कांग्रेस शाह की बीमारी का मजाक बना रही है। बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह पर कांग्रेस नेता बीके हरिप्रसाद का विवादित बयान सामने आया है। हमारे 6 विधायकों को किडनैप किया, इसलिए अमित शाह को बुखार आ गया, ये बीके हरिप्रसाद कह रहे हैं। कांग्रेस नेता बीके हरिप्रसाद ने कहा कि अमित शाह को ऐसा वैसा बुखार नहीं, सुअर का बुखार आया है। कर्नाटक सरकार को खराब करने की कोशिश की तो दूसरी बीमारी भी होगी, ये भी कह रहे हैं बीके हरिप्रसाद। अमित शाह और गाबरि आगे ज्वर बंदे ज्वर अंद्रे कमी ज्वर अल अब हंदि ज्वर अंत स्वाइन फ्लू अंत कर्नाटक राज्य सरकार प्रयत्न केवल हंदि ज्वर अल ನಿಮಗೆ ವಾಂತಿ ಬೇದಿ ರೋಗವೂ ಸಹ ಬರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಬಹಳ ಬಹಳ ಚೆನ್ನಾಗಿ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ। तो राजनीति का स्तर कितना गिर गया है ये इससे एक बार फिर पता चल रहा है। जिस तरह का विवादित बयान यहाँ पर हरिप्रसाद ने दिया है, अब अमित शाह को स्वाइन फ्लू हुआ और उस पर किस तरह से तंज कसा है हरिप्रसाद ने, और जिन शब्दों का देखिए उन्होंने इस्तेमाल किया है वो ध्यान से सुनिए आप। ऐसा वैसा बुखार नहीं, सुअर का बुखार आया है, ये कह रहे हैं कांग्रेस नेता बीके हरिप्रसाद। और अगर सरकार को खराब करने की कोशिश की तो फिर दूसरी बीमारी भी होगी, तो ये कह रहे हैं बीके हरिप्रसाद। और साथ ही साथ हालांकि बीके हरिप्रसाद का ये बयान आया उसके बाद बीजेपी की ओर से भी पलटवार हुआ है, लेकिन जिस तरह के शब्दों का यहां पर इस्तेमाल किया गया है वो राजनीति को किस तरह से नीचे गिराता है स्तर को, वो एक बार फिर से सबके सामने है कि बीमारी का मजाक बनाया जा रहा है। स्वाइन फ्लू हुआ है, पूरा देश इस वक्त उनके जल्द स्वस्थ होने की कामना कर रहा है, उन्हें लगातार वहां पर भेजी जा रही हैं बेस्ट विशेस कि वो जल्द से जल्द स्वस्थ हो जाएं। और इस बीच कांग्रेस नेता बीके हरिप्रसाद किस तरह से उनकी बीमारी का मजाक बना रहे हैं। और अमित शाह पर कांग्रेस नेता बीके हरिप्रसाद का बयान तो हमने आपको सुना ही दिया, और विवादित बयान पर बीजेपी अब भड़क गई है। पीयूष गोयल ने कहा है कि फ्लू का इलाज है लेकिन कांग्रेस नेताओं की मानसिक बीमारी का इलाज बहुत ही मुश्किल है। पीयूष गोयल ने बकायदा इस पर ट्वीट किया, उन्होंने लिखा कि जिस तरह का गंदा और बेहुदा बयान कांग्रेस के सांसद बीके हरिप्रसाद ने बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह जी के स्वास्थ्य के लिए किया है, ये कांग्रेस के स्तर को दर्शाता है। फ्लू का उपचार है लेकिन कांग्रेस के नेताओं की मानसिक बीमारी का उपचार मुश्किल है। तो पीयूष गोयल का ये ट्वीट बीके हरिप्रसाद के विवादित बयान आने के बाद। वैसे आपको बता दें जल्द ही अमित शाह डिस्चार्ज हो जाएंगे, और उन्होंने भी बुधवार को ट्वीट किया था जिसमें उन्होंने जानकारी दी थी कि उन्हें स्वाइन फ्लू हुआ है जिसका उपचार चल रहा है। ईश्वर की कृपा आप सभी के प्रेम और शुभकामनाओं से मैं शीघ्र ही स्वस्थ हो जाऊंगा, ये अमित शाह ने ट्वीट किया था। और उसके बाद बीके हरिप्रसाद कांग्रेस नेता ने किस तरह से उस पर तंज कसा, और उसके बाद बीजेपी की ओर से पलटवार।